झंगा थाना प्रभारी द्वारा बीएसए कार्यालय में तैनात लेखाकार इंद्राहास सिंह की रिहाई और भाजपा नेता सुभाष पासवान पर की गई टिप्पणी को लेकर रविवार को भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी आवास पर जाकर एसएसपी से मुलाकात की, जिसका नेतृत्व भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा नेता डॉक्टर विनय सिंह, सुभाष पासवान, अजय गुप्ता बजरंगी, विश्व जिदांशु सिंह आसू, राधेश्याम रावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जंगा थाना प्रभारी द्वारा किए गए कार्यों को एसएसपी से अवगत कराया गया है, जिस पर एसएसपी ने दो दिनों के भीतर जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर विनय सिंह ने बताया। बस तुरंत मैं आ रहा हूँ। अंदर चलो जाएगा ना। भाई सुभाष पासवान गए हैं कि अंदर है? कुछ नहीं है। मैं किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुबौली का प्रधानाचार्य हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारे विद्यालय में दो अनहर और अप्रशिक्षित अध्यापक पूर्व से कार्य करते थे। विद्यालय जब ग्रांट इन एड पर आया तो उनको नियत वेतन 7300 रुपये प्रति माह पर विभाग के अधिकारियों ने उनको विद्यालय में समायोजित कर लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत लेखाकार इंद्रहास सिंह ने उन दोनों अप्रशिक्षित और अनहर अध्यापकों को एक मंडलीय बेसिक शिक्षा निदेशक का एक फर्जी आदेश स्वयं बना करके उनकी फर्जी दस्तखत करके उस पर फर्जी मोहर लगा करके उन दोनों अनहर अध्यापकों को 7300 की बजाय 18760 रुपये मूल वेतन और 4800 पे ग्रेड पर उनका वेतन बनाया और 23,88,000 रुपये दोनों शिक्षकों को अलग अलग उन्होंने एरियर के रूप में दे दिया और लगातार 10 वर्षों तक 7300 की बजाय 73,000 से भी ऊपर की धनराशि उनको वेतन में दिया जाता रहा। इस पूरे प्रकरण का प्रकाश में तब आया जब संस्था की ऑडिट संपरीक्षा विभाग के द्वारा कराई जा रही थी। संपरीक्षक ने पाया कि दोनों शिक्षक अनहर हैं, इनको नियत वेतन 7300 पर रखा गया है और संपरीक्षक की रिपोर्ट पर डायरेक्टर ट्रेजरी ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश एडी बेसिक को दिए। एडी बेसिक ने अपने जांच में यह पाया कि एडी बेसिक के स्तर से प्रशिक्षण मुक्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। एक फर्जी आदेश, कूटरचित आदेश बना करके इंद्रहास सिंह और दोनों शिक्षक और बेसिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर के राजकोष से 57,00,000 रुपए फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके निकाल लिया। इस प्रकरण में एडी बेसिक ने आदेश दिया बेसिक शिक्षा अधिकारी को वो सभी संबंधित अध्यापकों के विरुद्ध और इसमें सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध FIR कराएं। 2017 में इस आदेश के अनुपालन में प्रबंधक ने FIR कराया। दोनों शिक्षक 2017 में ही जेल भेजे गए। बाद में विवेचक ने विवेचना करके अन्य संबंधित लोग जो उस अपराध में सम्मिलित थे उन सभी लोगों को का नाम प्रकाश में लाया और विवेचना करके उन सभी के अपराध को की चार्जशीट तैयार की। चार्जशीट तैयार होने के बाद 24 मई को जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय से मैं उस पटल सहायक इंद्रहास सिंह को झंगहा के पुलिस ने जाकर के गिरफ्तार किया। वह इंद्रहास सिंह पुलिस की गिरफ्तार करने के बाद भी लगभग 1.5 घंटे तक पुलिस से लड़ता रहा और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपने कक्ष से बाहर नहीं निकला। पुलिस को काफ़ी मशक्कत के बाद और फोर्स बुलानी पड़ी और किसी तरह से उस लेखाकार को जब मीडिया के लोगों ने फोटो खींचना शुरू किया और रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तब दबाव में आकर के अधिकारियों ने उसको बाहर आने दिया। जब वो गिरफ्तार होकर के झंगहा थाने गया तो पैसे की मोटी डील हुई और रात के 3 बजे चार्जशीटेड अपराधी जो राजकोष से धोखाधड़ी के आरोप में जिनके ऊपर चार्ज है उन अधिकारियों से मोटी रकम लेकर के रात में 3 बजे उनको छोड़ दिया गया। मैंने जब ये पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि किस आधार पर चार्जशीटेड अधिकारियों को छोड़ा जा रहा है, ऐसी धाराओं में जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है उन अपराधियों को जब थाने से छोड़ा गया तो CO चौरी चौरा ने यह कहा कि उनको मेडिकल ग्राउंड पर छोड़ा गया है।
उनकी मेडिकल ना तो किसी CHC से हुई, ना किसी PHC से हुई, ना ही किसी सरकारी चिकित्सक अथवा अस्पताल से उनकी मेडिकल कराई गई है। अधिकारियों ने मोटा पैसा लिया है और दोनों आरोपियों को थाने से ही उन लोगों ने जमानत गलत तरीके से दे करके और मुक्त कर दिया। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और संबंधित लेखाकार और बाबू जो इस धोखाधड़ी में और राजकोष के घोटाले से धन के निर्गमन में राजद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होता है, NSA की कार्रवाई होती है। पुलिस ने जो कार्रवाई छोड़ी वो सब कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनकी जमानत निरस्त कर उनको जेल भेजा जाना चाहिए। अभी SSP मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? मैं माननीय SSP गोरखपुर से मिला, उन्होंने SP नार्थ को अपने ऑफिस में बुला करके और इस पूरे प्रकरण की जाँच करने का आदेश दिया और कहा कि 2 दिन के अंदर यदि उनकी विधि संगत कहीं से मेडिकल नहीं होगी तो वो फिर जेल जाएंगे।